चुनावी समर में विरोधियों को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी हर मोर्चे पर तैयार है। हर विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन और चुनावी रैलियों को और प्रभावी बनाने के लिए आपके डीडीयू मार्ग मुख्यालय पर सभी हाईटेक रूम तैयार किए गए हैं। वॉर रूम के जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने 7 उम्मीदवारों की कैंपेनिंग और अपने वर्कर्स के फीडबैक पर पल पर नजर रखेगी। यह वॉर रूम की आप तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं कैंपेनिंग को लेकर के। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स चुनाव में लड़ रहे हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर के, उनके कैंपेनिंग की भी पूरी नजर जो है वो इस वॉर रूम के जरिए जो है वो रखी जाएगी। वॉर रूम में LED TV, न्यूज चैनलों की रिकॉर्डिंग की भी सुविधा के साथ टीमें बनाकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग इंचार्ज भी बनाए गए हैं। क्या क्वेश्चंस हैं, क्या डाउट हैं, विरोधी पार्टियां क्या अफवाह फैला रही हैं, इन सारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली में ये 20 सदस्यीय एक कोर टीम के साथ वार रूम लॉन्च किया गया है। और इसके साथ साथ हर लोकसभा में 7 वार रूम और बनेंगे, जो वार रूम जो है वहाँ लोकसभा लेवल पे गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके साथ साथ हमने हर विधानसभा में 70 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जो 70 ऑब्जर्वर अपना फीडबैक सीधे सेंट्रल वार रूम को देंगे कि किसी भी चीज को लेकर के क्या क्या फीडबैक है। इस वॉर रूम में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ने के अलावा पार्टी के नेताओं और उम्मीदवारों की रैली का फीडबैक भी तैयार किया जाएगा, जिससे चूक की कोई गुंजाइश ना रहे। सेंट्रल वॉर रूम में सब तरह की रिपोर्ट को हम जनरेट कर रहे हैं और उसके आधार पर कैंडिडेट को भी हम फीडबैक देंगे कि यहाँ पर आपका ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, जिसके आधार पर वो भी अपने वॉर रूम को एक्टिवेट कर सकते हैं। जल्द ही इस वॉर रूम के फीडबैक आधार पर पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भी तैयार करेगी।